हेलो एवरीवन, नमस्ते। टैरो ट्यून में स्वागत है। ये न्यू मून में क्या एनर्जी आपके पार्टनर की, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप सभी को हम लोग देख रहे हैं। ओके ओके, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, द सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्स की। गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन पहले ना बहुत डिफेंसिव एनर्जी में थे, और पहले ऐसे कि सोच रहे थे क्या करना है, क्यों करना है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी या किसी ने कुछ कह दिया तो इससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, बट ओवरऑल अभी आपके एनर्जी पर्सन की फेथ और करेज की है, परसिस्टेंस दिखाने की है, आपके पास आने की, आपको साथ में चाहने के लिए इस टाइप का कुछ सोचते हैं। अभी उनका अपने आप को स्टेबल बनाने में इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी उस पर फोकस है। इसके अलावा मैं बोलूँगी ज़रूर एक्शन लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आपके पर्सन, और उनकी लाइफ में कोई एक फीमेल सिस्टर हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अराउंड उनके एज के हैं। मैक्सिमम 5 साल का ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है उनके से, वो उनको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, यू नो, टू कम टूवर्ड्स यू, आपके साथ आने के लिए। क्योंकि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है गाइस कि अल्टीमेटली दे आर हैप्पी विथ यू, मतलब आप उनको हैप्पी करते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके साथ लाए करती है उनकी। उनको ये समझ में आ गया है, उनको ये पता चल गया है, और इस चीज़ के लिए वो दौड़े चले आना चाहते हैं आपके पास। इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपके पर्सन यू नो अभी थोड़े से जेन्युइनली बिजी थे विथ यू नो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ और हर चीज़ को आपके साथ बैलेंस करने के लिए, तो मे बी थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं हो पाया। सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू से दैट दे आर सॉरी फॉर द टाइम्स, जैसे कि आपने अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, या वैन यू रियली वॉन्टेड टू टॉक टू योर पर्सन और वो आपको यू नो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं तब। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगी कि मतलब आपके साथ वो बहुत सिक्योर फील करते हैं। एक यू नो हैप्पीनेस फील करना, रोमांटिक फील करना एक चीज़ होती है, बट आपके पर्सन आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फील करते हैं। और क्योंकि वो आपके साथ सिक्योर फील करते हैं, मैं कहूँगी कि दे आर वेटिंग टू ऐसा दौड़े चले आना। इमोशंस आर रनिंग वेरी वेरी हाई, इमोशनली फील कर रहे हैं, बहुत मतलब इमोशनल फील कर रहे हैं। मे बी उनको रात को याद आ रही है, आप लोग को टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो, रोना जैसा भी आ रहा होगा आपको लेकर। और हम लोग क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं ओरेकल से। फगिवनेस, ओके, तो काफ़ी फगिवनेस की एनर्जी है गाइज। ये आपके लिए भी है कि अगर भूल चूक हुई है उनसे आपको माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि वो भी मतलब अगर आपके साइड से भी कुछ मिस्टेक्स हुई है, इन जनरल वो ऐसे आपका कॉन्वर्सेशन हो तो वो बोलना चाहेंगे कि वॉट एवर इट इज़ आप छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, बिकॉज लिव एंड लेट लिव एंड, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे आपके साथ एक फ्यूचर सेट करना है। परसिवियरेंस, मैंने पहले ही बोला फेथ है आपके, परसिस्टेंट एनर्जी में है आपके साथ, यू नो रहना चाहते हैं जो, तो मतलब एकदम ही डट है अभी, स्ट्रबर्न है टू बी विथ यू, टू स्टे कनेक्टेड विथ यू, टू यू नो बिल्ड समथिंग विथ यू, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है गाइस। फसाड, ओके, तो पहले मैं बोलूँगी कि वो एकदम फसाड में थे, मतलब उनको झूठ लग रहा था या उनको श्योर नहीं थे क्या चाहिए क्यों चाहिए। अब ये फसाड से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, ही इज आउट ऑफ दैट जोन, यू नो, अब वो इस एनर्जी से बाहर आ गई हैं कि मतलब क्या झूठ है क्या सच है। अब उनको पता है कि जो पहले वो सोच रहे थे वो सब झूठ था, अब वो आपके पास दौड़े चले आना चाहते हैं। ही और शी इज़ वेरी वेरी श्योर अबाउट यू, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, और वो मतलब कैन नॉट वेट टू कम मीट यू, यू नो टॉक टू यू, हग यू, यू नो स्पेंड टाइम विद यू, लुक इन टू योर आईज, थिंग्स लाइक दैट। मिरेकल, तो आपने मिरेकल्स एक्सपेक्ट करना चाहिए गाइज अभी, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सारी चीज़ें आर कमिंग अप, यू नो आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें जो पहले नहीं हुई हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, अचानक पीपल हु आरंट सपोर्टिंग यू आप उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ हो रहा हुआ है। ओके, और एक हम कार्ड्स देख लेते हैं, साइकिक टैरो फॉर द हार्ट से देख लें और क्या मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। मेरे पास ना यहाँ पे स्पेस कम पड़ता है ऐसे करने को, इसलिए मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ, बट मोस्टली मैं लाइव शफल करती हूँ। ओके, सो ऐसे मत सोचो कि क्यों कैमरा पे नहीं दिखाते, मेरे स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है, तो ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ मेरा शफलिंग। ओके, सो आई एम शफलिंग राइट ओवर हियर, बट दैट इज ऑफ कैमरा, मतलब आप देख नहीं पा रहे ऐसा। ओके, ओपन अप, तो
दोनों के लिए ये एनर्जी है गाइस, आपने भी उनको भी ओपन करना चाहिए, ओपन मतलब ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है आप रिसेंटली थोड़ा ध्यान मेडिटेशन आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मैंने पहले रीडिंग्स में बोला भी था किसी किसी के लिए कि आपको यू शुड गेट मोर कनेक्टेड यू नो टू योर हायर सेल्फ, और अच्छी बात है इफ़ यू डूइंग दैट। आई फील मेजोरिटी लोग कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है मे भी साथ में मंदिर या जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं कोई ऐसी जगह आप लोग साथ में जाएं और कोर मेमोरीज क्रिएट करें। बट आई एम गोइंग टू से वॉट एवर इट इज़, आप ओपन आर्म्स से अपने पर्सन को यू नो एक्सेप्ट करो। वाह शाइन की एनर्जी आई, अभी तो मतलब एकदम शाइनिंग लाइट दिख रहा है टनल के एंड में। पहले टनल में अंधेरा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, अब तो भाई मतलब एकदम से लाइट चमकती हुई दिख गई है। और दौड़ के गाड़ी एकदम चलाते हुए या चैरियट पे आपके पर्सन जा रहे हैं उस तरफ, ठीक है। और ओवरऑल क्या दिखता है, वाओ सक्सेस और ग्रोथ। तो सक्सेस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा टाइम दिख रहा है गाइस। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे ब्लेस्ड, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। लिव एंड लेट लिव, यू नो पास चीज़ों को दिल से जोड़ के मत रखो। उनके जस्ट आपके पर्सन ही नहीं, मतलब उनसे जुड़े हुए लाइक क्लोज फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड हो गए, उनसे भी अगर आपको कुछ चीज़ थोड़ा पसंद नहीं आया होगा या अनबन हुआ होगा, बी अ बिगर पर्सन एंड यू नो नए सिरे से शुरुआत कीजिए। हर किसी को लेकर यू नो सबको साथ लेकर वाला अप्रोच रखिए। और रीडिंग पसंद आई गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर लगा कि रेजोनेट हो रही है कॉमेंट कीजिए गाइस, सजेशंस डालो वीडियो के कि और कौन से टॉपिक्स लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।